इतनी टायरिंग जर्नी के बाद अगर मैगी विद द व्यू मिल रहा है, सब चीज वर्थ है। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, और टाइटल देखकर आप सबको समझ ही गया होगा कि सवारी कहाँ जा रही है। जी हाँ, हम जा रहे हैं हमारे नेटिव, हमारे होम टाउन हिमाचल प्रदेश, और हम जा रहे हैं फिलहाल बांद्रा। कैब बुक कर ली है, कैब किसी वक्त आती होगी। ये आ गई हमारी कैब। अब हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो चुकी है। बांद्रा पहुंचने में लगेगा पौना घंटा। वहां से हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको ट्रेन में बैठ के बता दूंगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बांद्रा टर्मिनस। तो कौन मिला, हम साथ में काम करते और कोइंसिडेंटली ये भी जा रहे हैं अपने गांव राजस्थान और मैं हिमाचल। बांद्रा तो अब हम पहुंच गए हैं। अब आगे का जो रूट होगा वो होगा बांद्रा से लेकर अंबाला कैंट तक। बांद्रा से अंबाला कैंट के लिए हमें लगेंगे पूरे 24 घंटे, और अंबाला कैंट से हम हिमाचल एंटर करेंगे और हमें उसमें भी लग जाएंगे लगभग 5 से 6 घंटे। 3 साल बाद जा रहा हूँ गाँव, तो बहुत एक्साइटमेंट है। और हमारी ट्रेन बांद्रा से अब निकल चुकी है। अभी हम पहुंच गए हैं अंबाला कैंट जंक्शन। यहाँ से जो नाहन हम बस से जाने वाले थे वो उसकी हम अब कैब सोच रहे, बिकॉज नाहन जाते जाते हमारी एक बस मिस हो जाएगी जो हमें वहाँ से आगे रजिस्ट्रेशन पर ले जाएगी। तो हमें वो बस मिस नहीं करनी नाहन से, जो है अंबाला से लगभग 50 किलोमीटर। ये देख सकते हो कि पहाड़ का रेंज जो है शुरू होना स्टार्ट हो गया, यानी हम एंटर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल जोन की एंट्री, यहाँ से हम हिमाचल एंटर कर रहे हैं। अभी पहले यहाँ लिखा होता था वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, बट अब वो नहीं है। यहाँ से लगभग नाहन है 3 किलोमीटर। ये है नाहन, आप देख सकते हो नाहन शहर। फाइनली हम नाहन एंटर कर चुके हैं और होपफुली हमारी जो बस की जो मिस नहीं होगी। और बहुत प्यारा शहर ये पहाड़ पर, बट अनफॉर्चुनेटली आज हम यहाँ नहीं रुक रहे। तो ये जो आप एंटीना जैसे देख रहे हो, मुझे पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, तो हमें फिलहाल यहाँ जाना है। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे इतने घंटे ट्रैवल करने के बाद। ये है हमारा डेस्टिनेशन संगड़ा। तो हम पहुंच गए हैं संगड़ा, लेकिन गांव जो है यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे, यानी हमें नीचे चल के जाना पड़ेगा तेज हो रहे, लेकिन शायद हम आज रुक सकते हैं मेरी दीदी के घर जो यहीं रहती है। वेटिंग फॉर माई दी टू कम। आ गए हैं मेरी बहन। कहाँ से जाना है, क्या है ये व्लॉग बन रहा है? व्लॉग बना रहा मैं, अंडरग्राउंड रखा है घर। और हमारे साथ मेरा कजन भाई जो मिल गया हमें ऐसे संगड़ा में। बड़ा हो गया काफी, 3 साल बाद मिल रहा हूँ। इतनी टायरिंग जर्नी के बाद अगर मैगी विद द व्यू मिल रहा है, फिलहाल तो बहुत कोहरा है लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर मैगी विद द व्यू मिल रहा है तो सब चीज वर्थ है। अब इस पे 4 चांद लगाने, चाय भी आ जाएगी। क्या करना है इस मैंगो को, धोना है खाना है? खाना है, धोना नहीं है? अरे आपको धोने आते हैं, आप धो दो। नहीं, नलका बहुत ऊंचा है। नलका ऊंचा है इसलिए नहीं धो पा रहे हो? प्लान में थोड़ा सा चेंज। अभी हम जा रहे हैं 5 किलोमीटर नीचे गांव में, कल फिर से यहाँ पर आना है। तो प्लान में थोड़ा चेंज है दोस्तों। रात काफ़ी हो गई थी तो हमने सोचा कि 5 किलोमीटर इस अंधेरे में, तो मेरे भाई आए मुझे पिक करने के लिए, तो हम 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे गांव में।
एंड फिर कभी जब थोड़ा रोशनी हो थोड़ा उजाला हो तो मैं आपको वो रूट बताऊंगा कि वो 5 किलोमीटर कैसा है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूट है वो। तो फाइनली अब मैं गाँव पहुँच चुका हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, रेस्ट मोड ऑन है अब मेरा। एंड फर्स्ट व्लॉग था तो फर्स्ट व्लॉग में ज़्यादातर मुंबई से हिमाचल का ही ट्रैवल मैंने शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की है। असली मज़ा आएगा आपको व्लॉग 2 से। मेरी कोशिश रहेगी कि हिमाचल के जितने भी कल्चर हो उसको मैं पास से कोशिश करूँ कि आपको रूबरू कराऊँ, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती वो मतलब, क्योंकि अब तक आपने जितने व्लॉग्स देखे हिमाचल के वो एज अ टूरिज्म थे, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, लेकिन मैं एज अ लोकल लाइफस्टाइल कैसे होता है वो बताने की कोशिश करूँगा। व्लॉग 2 से आएगा असली मज़ा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक मैसेज पहुँच जाए।